दिनेश कार्तिक भले ही बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई सीरीज T20 फाइनल में 8 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाकर देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इस विकेट कीपर बल्लेबाज का कहना है कि जब सर्वश्रेष्ठ फिनिशर की बात आती है तो वो अभी खुद को यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मानते हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी टॉपर हैं। कार्तिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, जब धोनी की बात आती है तो मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं और जबकि वो इस यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका मैं हमेशा अनुसरण करता हूं, उनके साथ तुलना अनुचित होगी। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक ने सितंबर 2004 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जबकि धोनी ने इसके 3 महीने बाद दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। अगले 14 सालों में धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान और सीमित ओवरों के सबसे सफल क्रिकेटर बन गए, जबकि कार्तिक जूझते रहे और मौके का इंतजार करते रहे। कार्तिक ने कहा कि धोनी का करियर पूरी तरह से अलग था और मेरा करियर पूरी तरह से अलग है। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो काफी शर्मीले थे। आज वो ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं की मदद के लिए खुलकर बोलते हैं। मेरा मानना है कि इस तरह की तुलना पूरी तरह से अनुचित है। जैसे मैंने कहा कि वो संभवतः यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं जबकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं जिस स्थिति में हूँ उससे खुश हूँ। पिछले 1.5 दशक से खेल रहे कार्तिक को आखिर में वो चर्चा मिली जिससे के वो वास्तव में हकदार थे। इससे वो अपने अच्छे कर्म और ईश्वर की कृपा मानते हैं। कार्तिक ने कहा कि सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं और इससे अच्छा लग रहा है। मैंने सालों में जो अच्छे काम किए उससे मुझे ये छक्का जड़ने में मदद मिली। वो शॉट छक्के के लिए चला गया, संभवतः दोनों बीमी अतिरिक्त से वो छक्का बन गया। उन्होंने कहा, मेरे लिए उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मैं ये खेल कर खुश हूँ। जब आप घरेलू क्रिकेट खेलते हो तो एक कठिन दौर होता है। अचानक इस तरह से चर्चा में आने से अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप चाहते हो कि कुछ विशेष की शुरुआत हो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।